Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I'm going to review this product by Mother Squash. This is their Orange Coffee and Vanilla Body Butter. So this is how the packaging of the product looks like, and this is how the cardboard packaging of the product looks like. So guys, अभी recently मैंने Mother Squash का एक haul आपके साथ share किया था, and उसमें मैंने आपको दिखाया था ये सारे products मुझे 45% off पे मिले थे, flat 45% off पे. तो मैंने बहुत सारे Mother Squash के products purchase कर लिए थे, उनका face wash, उनकी turmeric healing cream and उनका एक और body butter था जो मैंने review कर चुकी हूँ अपने channel पे. तो इन तीनों के individual reviews मैंने अपने channel पे कर लिए हैं. So today I'm going to review this body butter. This is their, I think this is their new launch, I believe. From price point of view, this is for $4.49, but as I said, मुझे 45% flat 45% discount पे मिले थे. So obviously I got a very good deal, and मैंने देखा है Mother Squash के जो products हैं ना, वो Mother Squash की website पे काफ़ी अच्छे discount पे आते हैं, या फिर First Cry की website पे, Amazon की website पे, and कभी कभी Flipkart पे भी अच्छे discount पे आते हैं. So मैं आपको एक दो websites का link डाल दूंगी नीचे, जो भी अगर आपको प्रोडक्ट लेना हो तो आप उस साइट से ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है. बट आई वुड हाईली रेकमेंड कि अगर आप मदर स्पर्श की वेबसाइट से परचेज करो या फिर फर्स्ट क्राई से परचेज करो, बहुत अच्छी डील मिल जाती है मदर स्पर्श के प्रोडक्ट पे, ठीक है. चलो जी, तो पहले तो मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ. ये थोड़ा ना डिफरेंट टेक्स्चर वाला प्रोडक्ट है. आपने बहुत सारे बॉडी बटर्स को यूज़ किया होगा, बट आई एम श्योर ऐसा टेक्स्चर आपने किसी का नहीं देखा होगा. जस्ट हैव अ लुक. जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा, आई वाज लाइक ये क्या है. सो जस्ट हैव अ क्लोजर लुक ऑफ द टेक्सचर. थोड़ा सा ना डिफरेंट है इसका टेक्सचर, जैसे होता है ना बामी बामी टेक्सचर विद लिटिल ग्रैन्यूल्स इन इट. सो आई बिलीव इसमें कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स हैं, वनीला के ग्रैन्यूल्स हैं. ये एकदम कन्वर्ट हो जाता है ऑयल में. सो कैन यू सी, एकदम एक ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है. सो यू कैन क्लियरली सी कितना डिफरेंस है. और इसमें जैसे एक वो चॉकलेट आती है, चॉकलेट या यू नो केक्स भी आते हैं जिसमें वनीला एंड ऑरेंज की फ्रेगनेंस होती है, एग्जैक्टली इसकी फ्रेगनेंस वैसी है. सो अगर आपको वो वनीला ऑरेंज और चॉकलेट या कॉफ़ी की फ्रेगनेंस नहीं पसंद है ना, तो आपको इसकी फ्रेगनेंस पसंद नहीं आएगी. बट मुझे अच्छा लगता है, सो इसकी फ्रेगनेंस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इतनी ओवरपावरिंग भी नहीं है, बट इनिशियली लगेगी कि हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट थोड़ी देर में 15-20 मिनट्स में अपने आप सबसाइड हो जाती है. बट इतना अमेजिंग ग्लो देता है ये स्किन को. आई मीन क्योंकि ये ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, इसका टेक्स्चर बहुत डिफरेंट है. जैसे एक बाम होता है एंड इट हैज गॉट सम ग्रैन्यूल्स इन इट. आई डोंट नो व्हाट इज इट, कॉफ़ी के हैं, वनीला के हैं या किस चीज़ के हैं, कुछ ना कुछ ग्रैन्यूल्स हैं. ये देखो हाथ में ही मेल्ट हो गया, एकदम ऑयल बन गया. सो दिस इज लाइक, सबको ही शायद ये टेक्स्चर ना पसंद आए, बट मुझे बहुत पसंद आता है बिकॉज एकदम इंस्टेंटली ये ऑयल बन जाता है और फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाता है. बाकी जो बॉडी बटर्स होते हैं ना, जो इनका दूसरा वाला बॉडी बटर भी था, उसका रिव्यू मैं आपको लिंक डाउन कर दूंगी, आप उसका भी रिव्यू देखना. बट वो थोड़ा ना थिक है, और थिक बॉडी बटर्स में क्या होता है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. एंड आई एम लाइक कि नहीं भाई, मेरे से नहीं होगा. तो आप क्लियरली देखो इसमें और इस हैंड में कितनी ज़्यादा डिफरेंस है, कितना शाइन आ रहा है राइट. इस वाले में स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है, सपल हो गई है. एंड ट्रस्ट मी, अभी मैं रात में शूट कर रही हूँ एंड ऑब्वियसली मैंने रात में लगा लिया है, सो मैं दूसरी आम पे भी लगा लूँगी रात में. एंड सुबह इतनी नरिश्ड होती है, इतनी मॉइस्चराइज होती है स्किन, बहुत ही अमेजिंग है. तो ये आपको लग रहा होगा बहुत कम यूज़ किया मैंने, बट मैं जब बॉडी बटर्स वगैरह को ट्राई करती हूँ ना, तो एज आई सेड मैं दूसरा वाला भी ट्राई कर रही थी. उसको मैं लेग्स पे लगाती हूँ और इसको मैं आर्म्स पे लगाती हूँ. तो दिस इज हाउ आई लाइक टू ट्राई माय स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स. कुछ को मैं आर्म्स पे यूज़ कर लेती हूँ, कुछ को लेग्स पे यूज़ कर लेती हूँ. तो उससे ट्राई भी हो जाता है और प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होता, और मैं आपके साथ ऑनेस्ट फीडबैक भी शेयर कर सकती हूँ, ठीक है. सो लेट मी जस्ट रीड आउट व्हाट इट स्टेट्स. द मदर स्पर्श ऑरेंज कॉफी एंड वेनिला बॉडी बटर इज ब्रिमिंग विद ब्लेंड ऑफ रिप्लेनिशिंग नेचुरल एंड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स टू इंटेंसली रिपेयर, हाइड्रेट ड्राई रफ एंड पैची स्किन. ओके सो गाइज, इट ओके आई टेल यू कि ये लोग कहते हैं कि अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी स्किन है, जैसे कुछ लोगों की विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्लेकी स्किन हो जाती है, तो उनकी स्किन के लिए ये एकदम अमेजिंग बॉडी बटर है. एंड ट्रस्ट मी गाइज, मेरी स्किन इतनी ड्राई नहीं रहती है, सो मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन पे बहुत लंबे टाइम तक मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. बट अगर किसी की ड्राई स्किन है, फ्लेकी स्किन है, तो आई एम श्योर ये बहुत ही अच्छे से रिपेयर करेगा. व्हाई? बिकॉज इट हैज़ गॉट ऑरेंज ऑयल, वनीला ऑयल, कॉफ़ी ऑयल. वनीला ऑयल क्या करता है, आपकी स्किन को
एक तो नरिशमेंट तो देता ही है, बट साथ ही साथ आपकी स्किन में ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज भी ऐड करता है, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज ऑयल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, ठीक है। ऑरेंज में विटामिन सी होता है, सो अगेन ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। देन कॉफ़ी ऑयल भी आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा एंड बहुत अच्छे से नरिश करेंगे, ठीक है। देन इट हैज़ गॉट ग्रेप सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, होवा ऑयल, शिया बटर, मैंगो बटर, कोको बटर। सो गाइज ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली किसी भी प्रोडक्ट में अगर इतने सारे मॉइस्चराइजिंग चीज़ें हैं तो वो कितनी अमेजिंगली नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग होगी, ठीक है। और मदरस्पर्श का यू नो जो भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर लाइक ऑल नेचुरल और काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, और इनकी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट इनकी वेबसाइट पे भी दी होती है और प्रोडक्ट के ऊपर भी है। आई विल जस्ट शो इट टू यू, ये तो यहाँ पे भी लिखी हुई है ये प्रॉपर इंग्रेडिएंट लिस्ट, और इनकी वेबसाइट पे भी है और अंदर वाली पैकेजिंग में भी है। सो अगर किसी को इंग्रेडिएंट्स वगैरह के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप चेक कर सकते हो, और वेबसाइट पे दिखाया भी हुआ है, लिखा भी होता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट आपके लिए क्या वर्क करता है, ठीक है। जैसे इट हैज़ गॉट विटामिन ई इन इट, इट हैज़ गॉट पैराफिन वैक्स इन इट। पैराफिन वैक्स वगैरह तो थोड़ा प्रोडक्ट को थिक करने के लिए यूज़ होता है, बीज वैक्स भी थोड़ा प्रोडक्ट को थिक करने के लिए यूज़ होता है, बट इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ गुड इंग्रेडिएंट्स इन इट। सो बेसिकली ऑरेंज ऑयल, वेनिला ऑयल, कॉफ़ी ऑयल, कोको बटर, ऑसम इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटिफुली वर्क करता है आपकी स्किन पे, बहुत डिफरेंट टेक्सचर है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, स्पेशली जिनको एक्जिमा वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, जिनकी स्किन ड्राई एंड फ्लेकी रहती है। कभी आपने नोटिस किया जब हम बीच एरिया में जाते हैं, जैसे आप कभी वेकेशन में मॉरिशस गए, गोवा गए, या मे बी एनी हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस, तो हमारी स्किन काफ़ी फ्लेकी होने लगती है, क्योंकि इतना सन होता है हमारी स्किन काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाती है, हम जितनी मर्जी सनस्क्रीन लगा लें एंड हमारी स्किन एकदम फ्लेकी हो जाती है, एकदम मेरी तो हो जाती है, ठीक है। टैनिंग तो होती ही होती है, बट स्किन के यू नो फ्लेक्स निकलते हैं एक तरह से, विंटर्स में तो निकलते ही हैं, बट अगर बीच एरिया में या अगर आपका बहुत ज़्यादा सनबर्न हो गया उस एरिया में भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा होता है। उसके लिए आप इस मॉइस्चराइजर को ट्राई करो, आई एम श्योर विद इन 3 to 4 days आपकी स्किन जो है ना रिवाइव करने लग जाएगी, आई एम श्योर, ठीक है। एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है टेक जेनरस अमाउंट ऑफ बॉडी वाटर ऑन योर फिंगर्स, जेंटली मसाज ऑल ओवर योर बॉडी अंटिल कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, यूज ट्वाइस अ डे। ऑब्वियसली वो आपकी मर्जी, आपको सुबह यूज़ करना है, रात में यूज़ करना है, दोनों टाइम यूज़ करना है, डिपेंडिंग ऑन हाउ ड्राई यू आर फीलिंग। अब जैसे दिल्ली में तो समर्स आने वाले हैं, सो आई वुड बी यूजिंग इट लाइक मे बी वंस अ डे, बिकॉज नाइट टाइम में आई प्रेफर कि मैं कुछ बॉडी ऑयल वगैरह लगाऊँ, क्योंकि बिकॉज दिल्ली में जैसे प्रॉपर समर्स होते हैं ना, तो हमें एसी चलाना ही पड़ता है, सो एसी में सोते हैं, तो आई जस्ट यू नो फील कि बॉडी ऑयल लगाने से मेरी स्किन ज़्यादा सॉफ्ट एंड सफल रहती है, बट दिस इज लाइक नो लेस। आई मे स्विच बिटवीन माई रेगुलर बॉडी ऑयल विद दिस, सो दिस इज लाइक वेरी वेरी गुड। मुझे सीरियसली ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, मदरस्पर्श का अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग लगा ना, सो आई वुड से दिस। अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हो एंड इफ़ यू हैव लाइक वेरी ड्राई स्किन, वेरी फ्लेकी स्किन ऑन योर बॉडी, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, या बहुत स्किन ना बहुत स्ट्रेची हो जाती है, डेफिनेटली आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, चाहे जब भी डिस्काउंट वगैरह आए, ठीक है। और इसमें लिखा भी हुआ है इट इज़ यूजफुल इन त्वक रोग, चर्म रोग एंड चर्म विकारा। सो आई बिलीव ये कुछ हिंदी वर्जन्स हैं, ये जो ड्राई एंड फ्लेकी स्किन के होते हैं ना, उसमें को कुछ हिंदी में लिखा है कि त्वक रोग और चर्म रोग एंड चर्मा विकारा। सो आई बिलीव मैं इसको ना लिख दूंगी स्क्रीन पे, ताकि अगर आपको इसमें से कोई रोग है, आई बिलीव ये एक्जिमा और ये ड्राइनेस वगैरह के यू नो डिफरेंट डिजीज के नाम है जो इन्होंने हिंदी में लिखे हुए हैं, सो मैं लिख दूंगी आगे स्क्रीन पे। सो अगर आपको इनमें से कोई भी रोग है, सो मे बी इट विल हेल्प यू गाइज इन दैट। और हाँ, इसमें एक और कॉशन लिखा है, इट स्टेट्स दैट इट इज लाइट कूलिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन कैन बी एक्सपीरियंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, बिकॉज इट हैज गॉट सम एसेंशियल ऑयल्स इन इट, सो हो सकता है थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन हो, बट ऑल दो ऑनेस्टली मुझे नहीं हुई है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट एकदम नेचुरल इंग्रीडियंट से बना है, सो इफ यू हैव लाइक ओवरली सेंसिटिव स्किन, तो हो सकता है आपको कुछ एलर्जी दे दे, एंड काफ़ी लोगों को ना नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए प्रोडक्ट इतने जल्दी सूट नहीं करते हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि हर कोई भी अगर प्लांट बेस्ड या कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो, सो ऑलवेज पैच टेस्ट फर्स्ट। वैसे तो कोई भी अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, हमेशा अपनी स्किन पर पैच टेस्ट करो, बट अगर आपने खरीद लिया है एंड यू विश टू यूज़ इट, बट पहले
आप एक बार इसको पैच टेस्ट कर लो कि आपको नेचुरल प्रोडक्ट सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऑल इन ऑल आई वुड हाईली 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 रेकमेंड दिस प्रोडक्ट। अगर मदर्स फर्स्ट का कोई भी एक आपको बॉडी वगैरह ट्राई करना है, ट्राई दिस वन आउट। और ऊपर लिखा भी हुआ है इट रिलीव फ्लेक की रफ स्किन एंड ड्राई पैचेस। तो काफ़ी लोगों की स्किन कभी कभी विंटर्स में एंड मे बी इवन इन समर्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है। आई वुड हाईली 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 रेकमेंड इट। 449 पे मत खरीदना, 450 का है उस पर मत खरीदना। 45% डिस्काउंट आता है या 30% डिस्काउंट आता है उस पर खरीद लेना। बट इट इज़ वर्थ एवरी सिंगल पेनी। बहुत थोड़ा सा लगता भी, जैसे मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा लिया था एंड पूरी आर्म पे लग गया, ठीक है। सो थोड़ा सा लगता है बट येस, जब डिस्काउंट पे आता रहता है तो क्यों फुल प्राइस पे लेना, राइट। एंड इट इज़ अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट एंड ऑल इन ऑल ऑसम है यार प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट टेक्सचर है। मुझे तो उसका टेक्सचर इतना डिफरेंट लगा ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हाँ यही लिखा हुआ, मैंने बस चेक करी थी कुछ और अगर मिस हो गया हो तो, नहीं कुछ और मिस नहीं हुआ है मेरे से। सो आई वुड हाईली 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 रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। 449 का 100 ग्राम्स का प्रोडक्ट है बट सेल में 250-300 तक का मिलेगा एंड तब आप खरीद सकते हो। ऑसम प्रोडक्ट है, एक बार मेरे कहने पर इसको ज़रूर ट्राई करके देखना इफ यू हैव लाइक ड्राई एंड फ्लेकी स्किन, या फिर अगर आप कोई बीच वेकेशन प्लान कर रहे हो और आपकी स्किन मेरी तरह यू नो रफ हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है और निकलने लगती है ना, डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट, डेफिनेटली, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इन केस यू लाइक दिस रिव्यू एंड वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।